हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल से एजुकेशन में। आज क्लास थ्री करेंगे, ठीक है। और क्लास थ्री में आप लोगों से जैसा कहा था, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे विलोम शब्द करने वाले हैं। और यह वीडियो आरओ यारो कंप्लीट हिंदी प्रिपरेशन का ये तीसरी क्लास होगी, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्लास वन क्लास टू कर चुके हैं। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। और आपकी तैयारी इस स्तर की होना चाहिए हिंदी में कि कम से कम 55 तो रहे, ठीक है। 55 से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि पता है यार, एग्ज़ाम अच्छा है, बड़ा एग्ज़ाम होता है और हर साल मौका नहीं मिलता है परीक्षा देने का। तो एक बार मौका मिल रहा है तो इसको अच्छे से कर लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पे आभ्यंतर का विलोम शब्द पूछा है। आभ्यंतर यानी ये आंतरिक होता है, इसका मतलब भीतरी होता है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा बाह्य, ठीक है। इसको हम लोग स्पीड अप करेंगे, थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि 400 क्वेश्चंस करने हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा है प्रथम का यहाँ पे अपोजिट बताना है, विलोम शब्द बताना है। प्रथम का यहाँ पे अंतिम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में भी दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 400 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, और कोशिश कीजिएगा उनके सभी के कमेंट आप लोग करें, ठीक है, रिप्लाई करें। तीसरे प्रश्न में श्री गणेश का यहाँ पे विलोम शब्द बताइए। श्री गणेश करना यानी शुरुआत करना, और इति श्री करना यानी समापन करना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना साथ में, यहाँ पे हो सकता है डी ऑप्शन है आपको समापन लिखा हुआ मिले, तो समापन नहीं लगाना है, तब आप समापन नहीं लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि श्री गणेश का पूछा है तो वो इति श्री ही सही शब्द है विलोम शब्द। उद्घाटन अगर पूछता, उद्घाटन का अगर विलोम शब्द पूछता तब समापन होता, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में पूछा है उद्घाटन का विलोम शब्द क्या है। तो देखो यहाँ पे समापन करेक्ट आंसर हो जाएगा, और अगर यहाँ पे इति श्री लिखा है तो आप इति श्री को नहीं लगाएंगे। पांचवा प्रश्न है आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा। आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। छठवां प्रश्न देखिए अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन यानी अर्वाचीन का मतलब भी आधुनिक होता है, ठीक है। अर्थ अर्थ के लिए आप लोग समझें, ये मतलब मॉडर्न ही लिखा है। अर्वाचीन का मतलब मॉडर्न, आधुनिक, तो इसका अपोजिट जो होगा प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। सातवां प्रश्न देखिए प्राचीन का विलोम शब्द। देखिए काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये घटना चक्र का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं पर रिवाइज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन का विलोम शब्द अभी आपने देखा अर्वाचीन हो जाएगा। कभी अर्वाचीन का पूछेगा, कभी प्राचीन का पूछेगा, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता रहता है। आठवें प्रश्न में देखिए अधुनातन, यहाँ पे लिखा है अधुनातन का विलोम बताइए। अधुनातन बोल लीजिए या फिर नूतन बोल लीजिए। नूतन का मतलब होता है नया, और पुरातन का मतलब पुराना। बी ऑप्शन ठीक है। नवा प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ पर नूतन का ही पूछा है तो पुरातन हो जाएगा, ईजी है। चलिए दसवां देखिए गौरव का अपोजिट बताइए। गौरव इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जाता है। गौरव का अपोजिट होता है लाघव। पराभव का विलोम शब्द क्या होता है, ये विभव हो जाएगा, ठीक है। चलिए ग्यारहवां प्रश्न कीजिए नैसर्गिक का अपोजिट बताइए। नैसर्गिक यानी नेचुरल, प्राकृतिक। देखिए सारे क्वेश्चन UPSC आरओ यारओ में ही पूछे गए हैं। इसके दो शब्द अपोजिट होते हैं, एक तो हो सकता है आप आ लगा दीजिए और वैसे ही लिख दीजिए, आ लगा के नैसर्गिक लिख दीजिए, एक ये अपोजिट होता है, और दूसरा यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा आर्टिफिशियल या कृत्रिम, ठीक। डी ऑप्शन ठीक है। बारहवां प्रश्न है नैसर्गिक का विलोम, अभी देखा आपने नेचुरल हो जाएगा, ये सॉरी आर्टिफिशियल हो जाएगा, नैसर्गिक यानी नेचुरल प्राकृतिक। 13 क्वेश्चन है अनुग्रह का अपोजिट बताइए। अनुग्रह का विपरीत होता है विग्रह, ठीक है। विग्रह, विग्रह हम लोग संधि का भी पढ़ते हैं अपोजिट, है ना। संधि का भी अपोजिट विग्रह होता है, समास का भी यहाँ पे अपोजिट विग्रह होता है। संग्रह का अगर पूछे विपरीत अर्थ वाला शब्द तो त्याग हो जाता है, और आग्रह तो आसान है, आग्रह का यहाँ पे अनाग्रह हो जाएगा, ठीक है। और परिग्रह का यहाँ पे बस आ लगा दीजिए, अपोजिट बन जाएगा, अपरिग्रह हो जाएगा। चलिए 14 देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है अनुग्रह शब्द का विलोम बताइए। तो अभी देखा आपने विग्रह हो जाएगा, 15 है, 15 इस तरफ है, 15 देखिए 15 में पूछा गया है। इनमें से अनुग्रह शब्द का देखिए, अब बोर मत होने लगना यार, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है तो क्या किया जाए, तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको जल्दी जल्दी से कर ले रहे हैं। विग्रह हो जाएगा। सदाचार का विलोम शब्द बताइए। सदाचार का कदाचार हो जाएगा। आचार का विलोम शब्द अनाचार होता है। अपराध का विलोम शब्द यहाँ पर, अपराध का तो कई बार पूछा है, निरपराध हो जाता है, ठीक है, निरपराध, ठीक है। और अन्याय का यहाँ पे न्याय हो जाएगा, आसान है। 17 देखिए यहाँ पे सही पेयर बताइए। आपत्ति का विलोम शब्द विपत्ति लिखा है। विपत्ति को हम लोगों ने कल सीखा था, विपत्ति का जो अपोजिट होता है वो संपत्ति होता है। आपत्ति का जो विलोम शब्द है वो विपत्ति ना होके
अनापत्ति होता है, ठीक है, अनापत्ति। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पहली बात गलत हो गई, पहला पेयर गलत है। दूसरा पेयर आवर्षण और अनावर्षण, यहाँ पे देखिए आवर्षण लिखा है, तो यहाँ से आ हटा दीजिए तो वर्षण हो जाएगा, है ना, वर्षण हो जाएगा। ये सही पेयर है, आवर्षण का वर्षण, ये पेयर सही है, अनावर्षण नहीं होगा, ये गलत है। सी ऑप्शन में गणतंत्र और जनतंत्र, गणतंत्र का अपोजिट राजतंत्र होता है, ठीक है, राजतंत्र हो जाएगा, सी भी गलत है। आदृत का यहाँ पे तिरस्कृत, ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही पेयर है, क्लियर है। चलिए 18 देखिए, 18 है, आवर्तक का अपोजिट बताइए। देखिए आवर्तक का अपोजिट शब्द होता है अनावर्तक, ठीक है, अनावर्तक, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनका देखिए बाकियों का देख लीजिए, प्रवर्तक का अप्रवर्तक हो जाएगा, आवर्त का अनावर्त हो जाएगा, और प्राकर्षक का अपकर्षक हो जाएगा, ठीक है, अपकर्षक। चलिए 19 देखिए, सेम क्वेश्चन है, आवर्तक का सही विलोम अभी देखा आपने, अनावर्तक। 20 है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी अनावर्तक हो जाएगा। 21 देखिए, यहाँ पे नया शब्द है, अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत का करेक्ट अपोजिट शब्द होता है बिस, अमृत और पीयूष, ये दोनों शब्द पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए पीयूष का भी जो अपोजिट है वो बिस है, ठीक है, अमृत का भी बिस है और पीयूष का भी बिस है, यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है। चलिए 22 देखिए, निषिद्ध का अपोजिट बताइए, निषिद्ध का हम लोग विहित पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, ठीक है, देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा भी गया है, निषिद्ध का बेहत हो जाएगा। 23 है, निषिद्ध का सेम क्वेश्चन है, तो बेहत हो जाएगा, आपको आ निषिद्ध नहीं लगाना है, ठीक है, आ निषिद्ध नहीं लगाना है, बेहत होगा। 24 है, निषिद्ध का बेहत, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 25 देखिए, यहाँ पे शुष्क का विलोम शब्द बताइए, इसमें मैं आप लोगों को अलर्ट रहने को बोलता हूँ, शुष्क का मतलब होता क्या है वैसे इंग्लिश में, क्या होता है ड्राई, ये इंग्लिश टर्म कभी कभी हेल्प कर देते हैं, तो इसका जो अपोजिट होगा वो बैट होगा, ठीक है, वो बैट को बोलते हैं आर्द्र, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। उष्ण का अगर पूछा जाए अपोजिट तो शीत लगाना है, ये दोनों शब्द आपस में अपोजिट शब्द लिखे हैं, उष्ण का अपोजिट शीत होता है। चलिए 26 देखिए, 26 कहाँ गया, कहाँ थे हम लोग, अच्छा इस तरफ है, 26 में है, स्थूल का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, स्थूल का हम लोग वैसे पढ़ते क्या हैं, सूक्ष्म पढ़ते हैं, है ना, सूक्ष्म विलोम शब्द हम लोग पढ़ते हैं, दुर्बल भी होता है और तन्वी भी होता है, लेकिन शाश्वत नहीं होगा, शाश्वत तो हमेशा चलने वाली चीज़ होती है ना, परपैचुअल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं परपैचुअल, तो इसका स्थूल से कोई संबंध नहीं है, विलोम शब्द नहीं पूछा है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 देखिए, पृथक का सही विलोम बताइए, पृथक मतलब अलग करना, अब यहाँ पे देखिए एकत्र में कन्फ्यूजन हो सकता है और संयुक्त में कन्फ्यूजन हो सकता है, कौन सा सही आंसर लगेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, 27 आपका होमवर्क है, एक साथ सभी क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा, अभी साइड में लिखते जाइए कि 27 पृथक का विलोम शब्द पूछा गया है। 28 देखिए, यहाँ पे उपयोग का विलोम शब्द बताइए, उपयोग का अनुपयोग भी हो सकता है और निरुपयोग भी हो सकता है, दोनों ही अपोजिट शब्द हैं, बी और डी दोनों आंसर हो जाएगा। 29 यहाँ पे गलत पेयर बताइए, दक्षिण का वाम, ये सही है, विधि का निषेध हम लोगों ने कल सीखा था, ये भी सही है, बर्बर का सभ्य होता है, ये भी सही है, उद्यम का यहाँ पर निरुद्यम लिखा है, उद्यमी का होता है निरुद्यम, ठीक है, उद्यमी का होता है, एंटरप्रेन्योर का होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, छोटी सी गलती हो सकती है इसमें। 30 देखिए, बताइए पेयर कौन सा सही है, देखिए बी ऑप्शन में संयुक्त का जो विलोम शब्द है वो वियुक्त होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वियुक्त होता है ना कि संधियुक्त, संधियुक्त का तो अगर अपोजिट पूछा जाए तो ये आपका संधिहीन हो जाएगा, है ना, संधिहीन और संधियुक्त, ये दोनों पेयर सही है, संयुक्त का जो मिलान हो रहा है विलोम का वो वियुक्त से होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। अज्ञ का यहाँ पे विलोम शब्द अभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको भी अभिज्ञ, ये भी गलत है, और समस्त का विलोम शब्द अभ्यस्त थोड़ी ना होता है, अभ्यस्त अलग शब्द है, अभ्यस्त का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो अनभ्यस्त होता है, अनभ्यस्त, ठीक। अल्पज्ञ और बहुज्ञ, ये सही लिखा हुआ है, ये पेयर सही मैच है, ठीक है। चलिए 31 देखिए, 31 में पूछा गया है, यहाँ पे भी पेयर है, देखिए निरपेक्ष का सापेक्ष है, ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बंधन का मोक्ष होता है, ये भी सही है, सचल का अपोजिट होता है अचल,
ठीक है, अचल। तो एक तो पहला गलत हो गया, और मौलिक का जो अपोजिट होगा या तो अमौलिक लिख लीजिए, है ना, अमौलिक लिख लीजिए, या फिर आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। ये दोनों मतलब होते हैं, मौलिक के अपोजिट जो होंगे अमौलिक और कृत्रिम होगा, अनूदित अनूदित नहीं होगा। सी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, ए और सी यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा था ना। ठीक है, चलिए 32 देखिए। 32 में प्राची शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द बताइए। ये अच्छा शब्द है, इम्पोर्टेंट शब्द है। देखिए प्राची का जो शब्द होता है अपोजिट प्रतीची होता है। यहाँ पे प्राची को प्राचीन मत समझ लेना, ठीक है, अगर प्राचीन समझ लेंगे तो फिर नवीन लगा के आ जाएंगे, नवीन का तो अलग हो जाएगा ना, नवीन का तो नवीन का प्राचीन होता है, नवीन का प्राचीन हो जाएगा, प्राची का यहाँ पे प्रतीची है। 33 देखिए, इन्हीं शब्दों में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो मिलते जुलते होते हैं, मतलब जो बोलने पे जिनका सेंस या फिर टोन मैच करती है, जैसे आग्रह विग्रह। तो एक झटके में अगर पढ़ेंगे तो लगेगा ठीक है, बट ये गलत है। विग्रह हम लोगों ने किसका पढ़ा था, विग्रह जो होता है वो अनुग्रह का पढ़ा था, है ना, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा है अनुग्रह का होता है। पहली बात गलत हो गई। अपकर्ष और उपकर्ष ये भी पढ़ने में सेम टोन में आ रहे हैं, जबकि अपकर्ष का अपोजिट होता है उत्कर्ष, या फिर उत्कर्ष का अपोजिट होता है अपकर्ष, ठीक, तो ये भी गलत हो गया। उत्सर्जन का इन्होंने यहाँ पे विसर्जन लिखा है, जबकि विसर्जन किसका होना चाहिए, ये आवाहन का होना चाहिए, आवाहन का विसर्जन होता है। डी भी गलत है। जारज और औरस ये सही पेयर है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, हो जाएगा। चलिए 34 देखिए। देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड है ना, हम लोग हर एक क्वेश्चन में एक ना एक शब्द पढ़ते ही रहते हैं जो पुराने क्वेश्चन में पूछा गया। जैसे यहाँ पे इप्सित दिख रहा है, इप्सित का विलोम शब्द हम लोग अनिप्सित पढ़ते हैं, ठीक है, ये भा जो लिखा है वो भा नहीं होता है, ना होता है इसकी जगह, ठीक, अनिप्सित होता है, तो ये गलत हो गया। और अमित का विलोम शब्द समित नहीं होता है, अमित का वैसे अर्थ क्या होता है, अमित का वैसे अर्थ होता है अमृत, ठीक है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो बिस होगा, यहाँ पे बिस होना चाहिए, या फिर मित होना चाहिए, या फिर परमित होना चाहिए, ठीक है, परमित, ये सब विलोम शब्द होते हैं अमित के, तो ये भी गलत हो गया। हया का बेहया ये सही लिखा हुआ है, और कमीशन ने इसको भी सही माना है। अघि का यहाँ पे निरग होगा, अघि यानी पाप करने वाला है यानी पापी, और निरग यानी जिसने पाप ना किया हो, तो यहाँ पे सी ओ डी दोनों करेक्ट आंसर है, ठीक है। 35 देखिए, 35 में यहाँ पे ब्लोम शब्द का पेयर बताइए कौन सा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन विलोम शब्द ही हम लोग कर रहे हैं क्लास 3 में, तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी से निपटाते हैं। मौन का मुखर होता है, ठीक है, बर्बर का सब हम लोग जानते हैं, और शानदार का सर्वनाक, ये भी ठीक है। अनुचर और परिचर ये दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। परिचर का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो आपको परिचारिका लगाना है, ठीक है, परिचारिका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये करेक्ट विलोम शब्द होता है, ठीक है, गलत हो गया डी ऑप्शन। 36 है, विलोम शब्दों की दृष्टि से दिखाइए। यहाँ पे अमित का परिमित अभी देखा था, बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े थे, बिस भी पढ़ा था, मित भी पढ़ा था, परिमित भी पढ़ा था, तो ये तो सही यहाँ पे पेयर मैच है। सत्कार का तिरस्कार ये पेयर भी सही है, सुख का दुख ये पेयर भी सही है, सी ऑप्शन में यहाँ पे परीक्षण लिखा हुआ है आच्छादित का विलोम शब्द, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे अनाच्छादित होना चाहिए, ठीक है, अनाच्छादित, ये तो बर्तनी में भी पूछा जाता है, आसान है बट कोई दिक्कत नहीं, अनाच्छादित, सी ऑप्शन गलत पेयर है। 37 देखिए, आविर्भाव का विभाव लिखा है, उन्मूलन का रोपण ये सही है, ठीक है, बेहत का ये जो निषिद्ध लिखा है ये सही है कि गलत है बताइए, बिल्कुल सही है, बेहत का निषिद्ध ही होता है। अपराधी का निरपराध ये भी करेक्ट है, और यहाँ पे आविर्भाव का विलोम शब्द पूछा है, विभाव नहीं होगा, आविर्भाव का विलोम शब्द होता है, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट शब्द जो है वो तिरोभाव है, अब सही है, ठीक है। चलिए 38 देखिए, वही क्वेश्चन है, आविर्भाव का क्या देखा आपने अभी, त्रोभाव देखा, विलोम शब्द डी ऑप्शन हो जाएगा, तमाम यहाँ पे देखो कई बार पूछा गया। 39 है, सरल शब्द का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, सरल का विलोम शब्द वक्र हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, और कुटिल हो जाएगा। विरल जो विलोम शब्द होता है वो सरल का नहीं होता है, सघन का होता है, ठीक है,
सघन का होना चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही लिखा हुआ है। चलिए सरल का विलोम शब्द इन्होंने फिर से पूछ लिया, और सरल का क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा कठिन, ठीक है जी, ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। 41 देखिए, गणतंत्र का हम लोगों ने लोकतंत्र नहीं पढ़ा था, राजतंत्र पढ़ा था, राजतंत्र पढ़ा था, ये ऑप्शन गलत है। थोक का परचून नहीं होता है, थोक का होता है फुटकर, ये परचून इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, ये भी गलत है। आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह होगा, ठीक है दुराग्रह, और आकीर्ण का विकीर्ण, ये सही लिखा हुआ है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये यार यहाँ पे सही पूछा था, सही है। देखिए यहाँ पे अधिष्ठित का पर्यायवाची होगा अनधिष्ठित, ठीक है अनधिष्ठित, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अनधिष्ठित, ये करेक्ट शब्द है, प्रतिष्ठित नहीं। आस्था का यहाँ पे देखो इन्होंने विश्वास लिखा हुआ है, तो ये तो समानार्थी शब्द हो गया, विश्वास नहीं होगा अनास्था होगा, ये अनास्था होता है विलोम शब्द। असूया का अनसूया होता है, ये करेक्ट है, और प्रमुख, प्रमुख का विलोम शब्द सामान्य होता है, ठीक है सामान्य, तो यहाँ पर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए 43 देखिए, विधि का निषेध हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है आह्वान का विसर्जन, ये भी करेक्ट है। अमी का हलाहल, ये इंपॉर्टेंट शब्द होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ये। और आग्रह का भी क्या पढ़ा था आपने, आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह पढ़ा था, है ना, तो यहाँ पे दुराग्रह लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये विग्रह अपने आप में ऐसा ऐसा लगता है जैसे ठीक लिखा हुआ है, बट विग्रह नहीं होता है, विग्रह का विलोम शब्द अनुग्रह होता है, विग्रह का अनुग्रह होगा, ठीक सी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच है। चलिए 44 देखिए, 44 में आकीर्ण का विकीर्ण, ये ठीक है। इप्सित का हम लोग अनिप्सित पढ़ते हैं, कई बार हम लोगों ने सीखा कि भानी होता है ना होता है, इप्सित का अर्थ पूछा था आप लोगों से, आपने कमेंट करके बताया नहीं, हो सकता वहाँ तक देखे नहीं हो आप लोग, है ना लेंथ, उस लेंथ तक आप वीडियो नहीं देखे हो। सी ऑप्शन है आद्रत का निराद्रत, ये करेक्ट है, और दोष का सदोष ना होके गुण होना चाहिए, दोष का क्या हो जाएगा यहाँ पे गुण, ये करेक्ट शब्द है, तो यहाँ पे ए भी सही है और सी भी सही है, यहाँ पे दो ऑप्शन ठीक है। 45 आइए, 45 में उपत्यका का विलोम शब्द होता है आदित्य का, ठीक आदित्य का, ये ध्यान रखना अच्छा शब्द है। 46 में अनघ का विलोम शब्द बताइए, अनघ का हो जाएगा यहाँ पे अघ, यहाँ पे करेक्ट शब्द है अघ, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे इसका विलोम शब्द हम लोग को निरग लग रहा है, निरग और अनघ ये आपस में समानार्थी शब्द है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही गलती होती है, ये समानार्थी शब्द लिखा हुआ है। इससे मिलता जुलता एक शब्द हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था अभी पिछले क्वेश्चन में, निरग और अघी, है ना, अगर अघी का विलोम शब्द पूछे तो निरग होता है, या फिर निरग का पूछे तो अघी हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे अनग है तो थोड़ा ध्यान रखना है। 47 में स्तब्ध के लिए सही विलोम बताइए, स्तब्ध का हो जाएगा अस्तब्ध हो जाएगा, लब्ध का विलोम शब्द पूछा जाए तो प्रदत्त लगा देना, ठीक लब्ध का प्रदत्त होता है। यहाँ पे देखिए उत्तरायण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा, इजी है ये तो। चलिए नेक्स्ट कीजिए, फिर से यहाँ पे उत्तरायण का विलोम शब्द पूछा तो दक्षिणायन हो जाएगा, ठीक है नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ का विलोम शब्द साउथ और वेस्ट का विलोम शब्द ईस्ट। 50 देखें, विशेष का भी आपने देखा था सामान्य होता है, ठीक है आशेष नहीं होगा, सामान्य या फिर साधारण दोनों शब्द विलोम की दृष्टि से ठीक है। विपत्ति का आपत्ति हम लोग नहीं पढ़ते हैं, संपत्ति पढ़ते हैं ना, संपत्ति पढ़ा था। स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं परतंत्रता होगा, ठीक है ये परतंत्रता होगा, और वक्र का रिजू, वक्र का रिजू, ये ठीक है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कर लेंगे। चलिए 51 देखिए, रिजू का विलोम शब्द जस्ट अभी देखा वक्र हो जाएगा, रिजू का मतलब सीधी लाइन, ठीक है, और वक्र मतलब सर्कल, सर्कुलर में। 52 अनुरूप का विलोम शब्द यहाँ पे बताइए, अनुरूप होना मतलब समान होना, ठीक है समान होना या फिर उपयुक्त होना, तो इसका जो करेक्ट विलोम है वो प्रतिरूप हो जाएगा।
देखिए 53, देखिए तृष्णा ये इम्पोर्टेंट शब्द है, तृष्णा का अक्सर पूछा गया है, तृष्णा का आपको लगाना है बी तृष्णा, ठीक है बी तृष्णा। यहाँ पे कभी कभी बी तृष्णा ना लिख के आ तृष्णा भी आपको दिख जाएगा लिखा हुआ, तो ये शब्द भी ध्यान रखना, ये दोनों ही शब्द विलोम शब्द होते हैं तृष्णा के, ठीक। चलिए 44 दीर्घायु, दीर्घायु यानी लंबी आयु वाला, तो यहाँ पे अल्पायु हो जाएगा, है ना आसान है। चिरायु जो शब्द लिखा है इसी के समानार्थी लिखा हुआ है, नस्वर का विलोम शब्द अनस्वर हो जाता है, और क्षणिक का हम लोग यहाँ पे विलोम शब्द पढ़ते हैं शाश्वत, है ना हमेशा चलने वाला शाश्वत और कुछ ही क्षण के लिए ये क्षणिक। चलिए 55 देखिए, 55 में गगनचुंबी का विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, तलस्पर्शी, ठीक है आसमान को छूने वाला और तल को छूने वाला। 56 है सही पेयर बताएं, जो सबसे ईजी उसको पकड़िए पहले, मुक्त का हम लोग क्या पढ़ते हैं, मुक्त का विलोम शब्द ग्रस्त पढ़ते हैं, है ना ग्रस्त पढ़ते हैं, तो सी तो गलत हो गया। विभावना का सद्भावना नहीं होता है, तांडव का मांडव नहीं होता है, आनृत का रित हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आनृत का रित। वैसे सामान्य अर्थ क्या होता है अनर्थ का, अनर्थ मतलब होता है झूठ, ठीक है, और रित मतलब होता है सच, हो जाएगा। चलिए 57 देखिए, अशुद्ध रूप बताइए या अशुद्ध युग में बताइए, कुशल का अकुशल ठीक लिखा हुआ, जड़ का चेतन हम लोग पढ़ते रहते हैं, धर्म का अधर्म पढ़ते रहते हैं, एक अनंत होता है और दूसरा शब्द क्या होता है अंत हो जाएगा, है ना, जिसका अंत ना हो या फिर जिसका अंत हो, या आपस में दोनों विलोम शब्द हैं, अंत का अनंत होगा असीम नहीं होगा, असीम और इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं विलोम शब्द ससीम, ठीक है ये दोनों पेयर आपस में विलोम शब्द हैं, अनंत का विलोम शब्द अंत है। 58 देखें, अर्वाचीन का समीचीन, ये देखो ठीक लग रहा है ना, बट ऐसा नहीं है, अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है, अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन, अर्वाचीन वैसे क्या होता है आधुनिक बोलते हैं, मॉडर्न बोलते हैं, प्राचीन एंशियंट हो जाएगा, ठीक है। सरस का यहाँ पे नीरस होता है, अरस नहीं होगा, और विराग बताइए, विराग का अनुराग होता है, चिराग नहीं अनुराग, तो ये ऑप्शन भी गलत है। संयुक्त का वियुक्त ये ठीक लिखा हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 59 प्रतिकूल का अभी देखा हम लोगों ने, अनुकूल हो जाएगा, ईजी है। 60 बताइए, जैसे हम लोगों ने आविर्भाव का पढ़ा था तिरोभाव, वही शब्द यहाँ पे आविर्भूत का हो जाएगा तिरोभूत, सी ऑप्शन। एकता का विलोम शब्द एकता हो जाएगा, ठीक है अनेकता का एकता, अनावृष्टि का हम लोग अतिवृष्टि पढ़ते हैं, और अनास्था का आस्था। 61 है अग्रज का विलोम शब्द, अग्रज का अनुज, ठीक है। 62 सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय, है ना सृष्टि और प्रलय आपस में ये विलोम शब्द हैं, और समष्टि और व्यष्टि ये आपस में विलोम शब्द है। 63 है सहचर का हम लोग पढ़ते हैं अलगाव, है ना अलगाव, अलगाव पढ़ लीजिए या फिर पृथककरण, इसको तो सीखा था पहले भी। संयोग का अगर पूछे, संयोग असंयोग जो लिखा है ना, ये संयोग का विलोम शब्द है, ये संयोग का है, और वैमनस का पढ़ा था सोमनस, ठीक। चलिए 64 देखिए, विराट का विलोम शब्द क्या होगा, विराट का क्षुद्र होता है, ये आपको छोटापन नहीं लगाना है। 65 है स्प्रेस का, स्प्रेस का विलोम शब्द क्या होगा, स्प्रेस का हो जाएगा स्प्रेस हो जाएगा। देखिए 66 में अमर का पर्यायवाची बताइए, अमर का पर्यायवाची सीखा था मृत्य, ठीक है तो 66 का इस तरफ लिखा होगा डी ऑप्शन, ये शब्द जो लिखा है ये सही है, ये है अमर का। 67 उक्त का पर्यायवाची क्या होगा, उक्त का पर्यायवाची है अनुक्त, उपयुक्त का पूछा जाए तो अनुपयुक्त लगा देना, यानी सी ऑप्शन और बी ऑप्शन ये आपस में विलोम शब्द लिखे हैं, ठीक है। चलिए 68 है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी हो जाएगा, बाचाल किसका ये विलोम शब्द होता है, मूक का होता है, ठीक है मूक का। 69 बताइए राजा का, बताइए राजा का पर्यायवाची क्या होगा, राजा और रंक, गरीब नहीं लगाना है, ठीक गरीब होता है अमीर का। चलिए 70 आकाश बताइए,
आकाश हो गया, एक पाताल हो गया, जैसे गगनचुंबी और तलचुंबी वाला जो सवाल था ना, वही सवाल है। आकाश का फिर से इन्होंने पूछ लिया तो पाताल हो जाएगा। ठीक, चलिए बताइए। 72 है ना? हाँ 72 है। सगुण, सगुण का यहाँ पे निर्गुण होगा या फिर अगुण होगा या फिर दुर्गुण हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे पढ़ना, गलती नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अगुण भी लग रहा है, निर्गुण भी लग रहा है और दुर्गुण भी लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कर चुके हैं। वैसे दुर्गुण का जो विलोम शब्द होता है सद्गुण होता है, ठीक है? सद्गुण, एक एक शब्द का यहाँ पे खेल है, ठीक है? सगुण का जो विलोम शब्द है वो निर्गुण है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पहले ऑप्शन में यहाँ पे अवगुण भी लिखा हुआ है, तो अवगुण विलोम शब्द होता है गुण का, ठीक है? बस आपको यहाँ पे बचना किससे है, सगुण का आपको अगुण नहीं लगाना है, ठीक है? अगुण नहीं लगाना, निर्गुण लगाना है। चलिए 73 देखिए। यहाँ पे अपशकुन, तो ये तो आसान है, एक शकुन होता है उसका अपोजिट अपशकुन हो जाएगा। पुण्य जो होता है वही पाप का विलोम शब्द होता है, ठीक है? 74 है आवेशित, इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज्ड। बताइए आवेशित का विलोम शब्द अनावेशित हो जाएगा, अनचार्ज्ड हो जाएगा। अनावृत्ति का अतिवृष्टि होता है, आश्रित का अनाश्रित हो जाएगा, ठीक है? चलिए 75 अर्जन देखिए। अर्जन का है व्ययन, बी ऑप्शन ठीक है। ये RI जो लिखा हुआ है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इसी को कानून को बोलते थे ना, अभी भी बोलते हैं, बट इसका एग्ज़ाम सेपरेट हुआ करता था, अब सब तो सेपरेट एग्ज़ाम होता नहीं है। 76 है कथित, कथित का बताइए यहाँ पे क्या होगा। अकथित हो जाएगा। कथ का पूछे तो अखथ्य लगा देना। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन आपस में विलोम शब्द लिखे हुए हैं, और कथनीय का अगर पूछे तो अकथनीय लगा देना, बस ये होते हैं करेक्ट फॉर्म। 77 प्रछन्न का विलोम शब्द बताइए। प्रछन्न हो जाएगा प्रतिपन, इसको भी ध्यान रखना है। प्रछन्न बेरोजगार भी पढ़ते हो ना इकोनॉमी में, प्रछन्न का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ है ना, तो यहाँ पे प्रतिपन हो जाएगा उजागर टाइप का, ठीक। चलिए 78 देखिए। यार बैकग्राउंड में आपको साउंड आ रहा होगा, है ना, बाइक वगैरह का। मैं रोड, दरअसल रोड पे गाड़ी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, घर पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, छोटी सी बच्ची है ना, तहलका मचाई रहती है, तो फिर यहीं सब रिकॉर्ड करना होता है। और हमारे पास यार कोई ऑप्शन है नहीं, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है आप लोगों को, तो उसके लिए हमारे पास माफ़ी के अलावा और कोई उपचार भी नहीं है। तो मैनेज कीजिएगा, मैनेज कर सकते हैं तो कीजिएगा, ठीक है? चलिए बताइए यहाँ पे प्रभावी का विलोम शब्द कौन सा नहीं है। प्रभावी का विलोम शब्द पूछा जाए तो आपको लगाना है अप्रभावी या फिर निष्प्रभावी या फिर प्रभाव शून्य, तीनों ही विलोम शब्द होते हैं प्रभावी के। अप्रयुक्त जो होता है विलोम शब्द प्रयुक्त का होता है, ठीक है? यहाँ पे नहीं पूछा था ना, तो प्रभावी का जो विलोम शब्द है वो अप्रयुक्त नहीं होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 79 देखिए। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। पाश्चात्य यानी पौरसत्व हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे पाश्चात का एक शब्द और होता है, इसको भी ध्यान रखना, ये डबल मात्रा है, ठीक है? पौर्वात्य, ये दोनों शब्द पर्यायवाची, सॉरी विलोम शब्द होते हैं पाश्चात के। ये पिछली बार ये वाला शब्द था, है ना, शायद टेस्ट वन में था, ध्यान रखना। बर्तनी के लिए भी ध्यान रखना। देखिए अश्लील का शब्द हम लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं श्लील। बताइए यहाँ पे मुखर का विलोम शब्द बताइए। मुखर का मौन होता है। मोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, बंधन होता है। मूक का विलोम शब्द होता है, मूक का होता है बाचाल, अभी सीखा था ना, मूक का बाचाल होता है। और यहाँ पे एक शब्द और है मोम, मोम यानी जो मोमबत्ती जलाते हो ना वो वाला मोम, मोम का हो जाएगा पत्थर, ठीक है? मुलायम और कठोर वाला यहाँ पे सीन है। 82 मूक का विलोम शब्द अभी देखा आपने बाचाल, ठीक है, बाचाल। 83 पे आइए। 83 विपन्न का विलोम शब्द बताइए। विपन्न का संपन्न, ठीक है, जैसे विपत्ति का संपत्ति होता है ना, वैसे विपन्न का संपन्न होता है। महत्ता का विलोम शब्द यहाँ पे देखिए 84 में, महत्ता का लघुता हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे एक शब्द और है ममता, ममता का विलोम शब्द होता है द्वेष, ठीक है, द्वेष। चलिए इस 85 देखिए। स्तुत्य का विलोम शब्द यहाँ पे क्या होगा, ये कठिन क्वेश्चन है, तभी मेंस में पूछा है। स्तुत्य का विलोम शब्द होता है
निंग है, ठीक है, बी ऑप्शन। इसका अर्थ मैं रुको बता रहा हूँ, पॉज करके वीडियो को गूगल पे खोज के, मुझे भी पता नहीं है। देखिए यहाँ पे स्तुत्य का मतलब बताया है स्तुति के योग, ठीक है, यानी प्रशंसनीय। इसका अर्थ क्या है, सामान्य अर्थ क्या है, प्रशंसनीय। तो निंग का क्या हो जाएगा, अप्रशंसनीय हो जाएगा, ठीक है। तो ये अर्थ भी ध्यान रखना, अर्थ थोड़ा सा पता रहता है तो आइडिया लग जाता है, नहीं तो क्या पता चल रहा कि स्तुत्व भी हम लोगों ने कभी पढ़ा था निंग। 86 है सद्भाव, सद्भाव का बताइए, आसान सा प्रश्न है, सद्भाव का हो जाएगा दुर्भाव, ठीक है, दुर्भाव। 87 बिरल अभी देखा था, बिरल का क्या पढ़ा था, सघन पढ़ा था, है ना, और सरल का पढ़ा था हम लोगों ने कठिन, कठिन। देखिए नेक्स्ट देखिए, सीड्स का विलोम शब्द यहाँ पे क्या होगा, आसान है, तल हो जाएगा। बाकी बताएंगे, उष्ण का बताएंगे, उष्ण का सीखा था हम लोगों ने शीत, ठीक है, शीत, ये आपके लिए होमवर्क है। आर्द्र का बताइए, आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा, या फिर ये किसका विलोम शब्द है। चलिए 89 देखिए, 89 समष्टि का व्यष्टि, ठीक है, देखिए भर के पूछा गया है प्रश्न, जबकि बहुत बहुत ही आसान प्रश्न है, समष्टि का यहाँ से फिर से व्यष्टि हो जाएगा। शिष्ट का पर्यायवाची अशिष्ट होता है और पुष्टि का पर्यायवाची अपुष्टि होता है, ठीक है। चलिए विशिष्ट का क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। 91 है अपराधी का विलोम शब्द बताएं, यहाँ पे अपराधी का निरपराध होता है, ठीक, यहाँ पे बस निरपराधी नहीं लगा देना है आपको, इसीलिए क्वेश्चन ही पूछा है वो, ठीक है, मेंस में पूछा गया निरपराधी नहीं लगाना, निरपराध लगाना। 92 है अवशेष के विलोम शब्द बताइए, अवशेष का विलोम शब्द हो जाएगा निःशेष। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और होता शेष, तो शेष भी नहीं लगाना है, शेष का पर्यायवाची होता है अशेष, ठीक है, या फिर अशेष का शेष, यहाँ पे यही शब्द होता है करेक्ट। देखिए 93 एकत्र का विलोम शब्द यहाँ पे क्या है, कर चुके हैं पहले भी, बताइए कमेंट करके, होमवर्क है आपका ये। 94 देखिए अनुक्रिया का विलोम शब्द बताइए, अनुक्रिया का होता है प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया यहाँ पे सही विलोम शब्द है। 95 में अधिष्ठित, अधिष्ठित का विलोम शब्द है, यहाँ पे प्रतिष्ठित नहीं लगाना है, पहले भी कर चुके हैं इसको, अधिष्ठित का पर्यायवाची होता है अनधिष्ठित, अनधिष्ठित सी ऑप्शन। चलिए 96 वादी का प्रतिवादी, ये आसान है, यानी वादी यानी पिटिशनर और प्रतिवादी यानी रेस्पोंडेंट। 97 वादी, अच्छा भाई क्वेश्चन है, प्रतिवादी, ठीक है, आगे कर लेते हैं। आगमन का यहाँ पे विलोम शब्द है आगमन, बताएं आगमन का प्रस्थान। 99 सज्जन, सज्जन का होगा दुर्जन, ठीक है, दुर्जन, ये इस तरफ है, इस तरफ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन, ठीक है। सुपुत्र बताइए, सुपुत्र का हो जाएगा कुपुत्र, आसान है ये तो, ठीक है, बाकी पुत्र लिखा है, पूत लिखा है, ये तो समानार्थी शब्द है, आपस में तद्भव तत्सम भी लिखा हुआ है। सम्मुख का विमुख है ना, सम्मुख का विमुख हो जाएगा। चलिए 102 सलज्ज, सलज्ज का मतलब होता है, सलज्ज का विलोम शब्द होता है निर्लज्ज, ठीक है, निर्लज्ज, सलज्ज यानी जिसमें लज्जा हो और निर्लज्ज यानी लज्जा रहित। सजल का अगर पूछा जाए, सजल, सजल का होता है विलोम शब्द निर्जल। चलिए 103 सुसुप्ति का विलोम शब्द, ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है ना, सुसुप्ति हम लोगों ने पढ़ के रखा है, जागृति होता है, ठीक है, शयन, शयन और जो जागरण है, शयन, ये शयन और ये जागरण, ये आपस में विलोम शब्द लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे सुसुप्ति का जागरण नहीं लगाना है। 104 है पूर्व का, पूर्व का क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बेस्ट यानी कोई नहीं, यहाँ पे पश्चिम नहीं लिखा है, तो यानी डायरेक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ पे पूर्व का मतलब पहले से है, ठीक है, अगर पश्चिम भी होता तो फिर वो ऑप्शन भी ठीक होता। 105 प्रसन्न का विलोम शब्द क्या है, देखिए यहाँ पे प्रसन्न का विलोम शब्द अप्रसन्न हो जाएगा, ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। खुश और प्रसन्न ये तो समानार्थी शब्द हैं। विषाद का पर्यायवाची सॉरी विलोम शब्द होता है हर्ष, या फिर हर्ष का विलोम शब्द विषाद हो जाएगा, और दुख का सुख हो जाएगा,
चलिए 106 है, परकीय का विलोम शब्द बताइए। इसका मतलब समझेंगे तभी समझ में आएगा क्या लिखा है। परकीय का मतलब होता है पराया, ठीक है, पराया कह लीजिए या फिर जिसका संबंध दूसरे से हो, ये दो मतलब होते हैं परकीय के। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होता है स्वकीय, ठीक है, खुद का स्वकीय। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए 107 ज्ञानी का विलोम शब्द बताइए। यहाँ पे आसान है ये तो, अज्ञानी हो जाएगा। 108 दीर्घ का विलोम शब्द, लघु पढ़ते रहते हैं हम लोग, आसान है। बड़ा ही किसका विलोम शब्द है, छोटा का होता है, ठीक है, और अगर सिख का पूछा जाए तो ये नख होता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। चलिए 109 देखिए, यहाँ पे डी ऑप्शन में विस्तीर्ण भी लिखा है। विस्तीर्ण तो हम लोग संकीर्ण का पढ़ते रहते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे संकीर्ण। 109 हस्व का विलोम शब्द क्या है, इसका करेक्ट आंसर है दीर्घ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यानी दीर्घ, अभी आपने देखा दीर्घ का विलोम लघु भी पढ़ा था, है ना, लघु यानी लघु या फिर हस्व, ये दोनों ही आपस में समानार्थी शब्द है। चलिए देखो भाई क्वेश्चन पूछे, लघु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गुरु भी होता है और दीर्घ भी होता है, ये और भी दोनों आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लघुत्व का गुरुत्व पढ़ते हो ना, वही शब्द है यहाँ पे। चलिए देखो भाई पूछा, गुरु का विलोम शब्द यहाँ पे लघु हो जाएगा। 0112 नीति का विलोम शब्द यहाँ पे होगा अनीति, ठीक है, अनीति, कुनीति नहीं लगाना है, कुनीति और सुनीति ये आपस में विलोम शब्द हैं दोनों। 113 शोक का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा हर्ष, ठीक है, हर्ष। सुख का विलोम शब्द यहाँ पे दुख हो जाएगा और शांत का यहाँ पे अशांत हो जाएगा। 114 है विघ्न का विलोम शब्द बताइए, विघ्न का यहाँ पे निर्विघ्न, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। स्थिर का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, अस्थिर हो जाएगा, स्टेबल और अनस्टेबल। 115 परिचित का विलोम शब्द देखें यहाँ पे, परिचित का पूछा है, अपरिचित हो जाएगा, आसान सा प्रश्न है ये तो। आत्मीय का हम लोग पढ़ते हैं, आत्मीय का विलोम शब्द परकीय पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा है, और परकीय अभी आपने देखा एक शब्द और अभी देखा था ना, परकीय यानी पराया, तो इसका जो विलोम शब्द था वो क्या था, यहाँ पे देखिए परकीय का स्वकीय ये शब्द भी होता है, ठीक है, तो दोनों शब्द याद रखना। 116 करना है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया यार ये वाला पेज, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। यहाँ पे आपत्ति शब्द पूछा है, आपत्ति शब्द का विलोम शब्द अनापत्ति हो जाएगा, ठीक है, ये अनापत्ति लिखा हुआ है। चलिए 117 में पूर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे अर्ध, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, पूर्ण का अर्ध। 118 में धरती, धरती का विलोम शब्द धरती का यहाँ पे आकाश हो जाएगा, ठीक, आकाश। नवनी लगाना है, देखो यहाँ पे उपयुक्त तो सब लगाना पड़ता है। देखिए 119 देखिए, प्रिय, ये इप्सित पूछा है, ठीक है, इप्सित और अनिप्सित जो पूछा जाता है ना उसी का अर्थ लिख के पूछा है, इप्सित का मतलब प्रिय होता है ना, प्रिय का विलोम शब्द यहाँ पे अप्रिय हो जाएगा, आसान है। देखिए 120 जय का विलोम शब्द, यहाँ पे जल्दी जल्दी में विजय लगा के ना आगे बढ़ जाना है ना, जय का पराजय हो जाएगा। ये वाला पिच कुछ ज़्यादा यहाँ पे ब्लर हो गया है ना, कुछ कुछ सही लिखा हुआ है, कुछ कुछ ज़्यादा हो गया। ऐसा करते हैं इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है, 120 तक, बाकी क्लास फोर में ये फिर कंटिन्यू करेंगे, और जब तक इतना रिवाइज कीजिए, चलते हैं, मिलते हैं।